हेलो नमस्ते सलाम वालेकुम, आप सभी का सबका स्वागत है हमारे नए दिन के नए ब्लॉग में। तो आज है डे 12। तो अभी देखो जैसे कि 6:05 हो चुकी है और मैंने ऑलरेडी नमाज पढ़ ली है तहज्जुद की। तो अब जाते हैं सीधा अपना डे 11 का ब्लॉग अपलोड करने के लिए। तो चलो, इसके बाद मेरे को भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है तो हरी मलाई खा लेते हैं। देख सकते हो अभी अभी जस्ट हमने अपनी डे 11 वाली व्लॉग अपलोड कर दिया है और इसमें क्रिकेट वॉच कैंसिल हो गया। आप लोगों को तो पता होगा कि जिसने व्लॉग देखा होगा कि अब क्या करना है। अब हम करेंगे ये हो जाने के बाद तहज्जुद वाली वीडियो अपलोड करेंगे इंस्टाग्राम पे एंड फिर थोड़ी मलाई खा लेंगे और इसके बाद निकलने के लिए तैयार हो जाएंगे। सो मिलते हैं 2 बजे, ठीक है? बाय बाय। हेलो व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है? आप सभी का फिर से स्वागत है। तो अभी अभी मैंने कंस्ट्रक्शन वाली VFS वीडियो अपने बनाई। ये देखो VFS कपड़ा और ये है उसका हेड, और जो मैं आपको बताने वाला हूँ ऊपर है वो जो उसका जैकेट आता है वो भी मेरे पास है या ऊपर रखा है। ये जैकेट मैं आपको बताऊँ, ये पूरा मैंने मंगाया था इसको अपने वीडियो के लिए सिर्फ खास। ये ग्रीन और ये ग्रीन दोनों सेम हो जाते तो वो हिसाब से VFX कैप्चर नहीं कर पाता और बराबर क्वालिटी नहीं आ रही। अब इसके बदले हमें ऑरेंज मंगवाना पड़ेगा या तो फिर ये पूरा कपड़ा ही ब्लैक मंगवाना पड़ेगा। दोनों में से एक ऑप्शन मुझे करना है, या तो फिर कंस्ट्रक्शन की जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो सिर्फ ये हेड का इस्तेमाल करूँ, इसे नहीं, इसको मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, दोनों में से एक चीज़ तो मंगवाएगी लेकिन अभी नहीं, अभी फिलहाल इससे ही काम चला दे, ठीक है? तो अभी बज गए हैं रात के 8, तो अब थोड़ा बाहर निकलेंगे। मेरे को बाहर निकलने का ही मन नहीं, लेकिन क्योंकि अब तो मेरे को एडिट भी करनी की है, फिर भी मेरे को बाहर निकलना पड़ेगा। मेरे को पेट्रोल भराना है, काम करना, दूसरा तीसरा कुछ नहीं, मिलते बाद में, ओके? तो अभी हम निकलने जा रहे हैं हेलमेट, क्योंकि मुझे राइड वाले भी एक ने बहुत सारी लिए थे इस वीडियो बनाने, तो उसे लिए मैंने निकाला ये तरबूज, ठीक है? बताओ आपको क्या चीज़ है ये। ये रहा हेलमेट जो मुझे अपनी VFS वीडियो में काम आने वाला है, तो अभी वही करेंगे। भाई इसका हालत है देखो, कितने साल से यूज़ नहीं करा इसको, पहले इसको बराबर साफ सफाई कर लेते इसके बाद VFS वीडियो बनाए, ठीक है? तो अभी अभी जस्ट हमने VFS वाली वीडियो बनाई है, दूसरी वाली, अब बनाने वाले राइड वाली, तो इसीलिए हमें हेलमेट की ज़रूरत पड़ेगी। सो अभी वही बनाने वाले, और आज का पूरा दिन हम पूरा VFS वाली वीडियो ही बनाने में चले जाएगा, क्योंकि मैंने सोचा है कि उस पर ज़्यादा काम करा जाए, अच्छे व्यूज आते हैं यूट्यूब पे उस पर, तो वो हिसाब से इस पर फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। तो अब बनने वाली है राइड वाली वीडियो, ओके, मिलते हैं। तो जस्ट अब भी हमने राइड वाली VFS वीडियो बनाई और थोड़ा आउटफिट चेंज किया, क्योंकि एक ही आउटफिट में बनाया करूँगा तो भाई थोड़ा अजीब लगेगा, तो वो हिसाब से मैंने चेंज कर लिया। अब शायद हो चुका है VFS वीडियो बनाने, अब इसको एडिट करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब एक दिन में एडिट नहीं कर सकता, अब उनमें से कोई एक लेके अभी एडिट कर दूंगा, और 8:15 बज गए तो मैं सोचता हूँ कि बाहर चला जाऊँ, थोड़ा बाहर जाके पेट्रोल पुराने का, फिर दूसरा जो काम होता है वो पूरा काम बता रहा हूँ, ठीक है? तो अभी जा रहे हैं बाहर, देखते हैं बाहर रिकॉर्ड करने जैसा हो तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है? मिलते हैं। अभी अभी पेट्रोल पुराया और अब जाते हैं थोड़ा नाश्ता टाइम।
बता दें नाश्ते टाइम तो नाश्ते में सोच रहा तो खाऊं क्या, मैं टेस्ट भी जाऊँ, पानी पूरी तो नहीं खाता मैं, तो कोई नाश्ते ऐसे है नहीं यार, मेरे को जाना पड़ेगा दूर है वहाँ। तो अभी शावरमा का नाश्ता कहते थे कि वही बेटर था, तो शावरमा कर लिया यार। पता नहीं दो दिन से ये मेरी सिर की तो बहुत ज़्यादा पेन हो, पता नहीं जब भी ये बाहर निकला या फिर घर में बैठता अभी एडमिट करने बैठूंगा तब भी ऐसा होगा, और इसका रीज़न क्या है वो पता ही नहीं चल रहा। हर बार ये इसलिए यहाँ पे अभी इधर होगा सोने लगे क्योंकि मैं ज़्यादा नींद मिलती नहीं, रात को 1 बजे सोता हूँ, सुबह में 5:30 बजे हो गया, 5:30 सवा 5 बजे उठ गया था मैं, तो मेरे हिसाब से नींद नहीं मिलती, अर्धी अर्धी नींद मिलती। तो दोपहर को 2 बजे आता हूँ, 3 बजे तक खाना पीमाना पका के आराम से सो जाता हूँ, फिर भी 5:30 बजे 6 बजे के आसपास उठ जाता हूँ, तो भी जिम कर की नींद मिलती है, इसे एकदम पूरी नींद मिलती है अभी तक, इतना टाइम हो गया पूरी नींद मिलती है, बोला कि जैसे कि पूरी 8 घंटे की या 9 घंटे की मुझे नींद मिले वो नहीं मिलती, एक टाइम 5:30 घंटे की मिलती है, कभी 4:30 घंटे की, कभी 3 घंटे की, इससे पूरा दिन में 7 घंटे इसमें पूरे होते हैं। तो अभी अभी जस्ट घर आ गए और अब काम करने वाला है हमारा, एडिटिंग का काम शुरू कर देते हैं, आज तो ज़्यादा एडिट करनी है क्योंकि VFX वाले रील्स मैंने बहुत ज़्यादा बना ली है, तो उससे स्टार्ट करते, VFX वाले रील्स ज़्यादा है और उसको एडिट करते करते टाइम लगेगा, लेकिन आज का दिन ही पूरा नहीं कर दूँगा, उसको कल भी एडिट करने में रखूँगा। तो अभी जितना जल्दी हो सके उतना मैं फ्री हो जाता हूँ, क्योंकि यार मुझे गेम खेलने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है गेम खेलने का यार, टाइम ही नहीं मिलता। आपको तो पता था मैंने बोला था कि मैं अभी एडिटिंग करने बैठा था, 9 बजे के आसपास मैं एडिटिंग करने बैठा था, और अभी देखो कितने बजे, 10:07 हो गए, और अब पता ये एडिटिंग का काम। ये तहज्जुब वाली नमाज से मैंने कुछ अलग करने का ट्राई किया, तो वो हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसको एडिट करने में, अभी 10 ऑलरेडी बज चुके हैं, तो आज का दिन ही है यहीं पर हम एंड कर दे, और इसके बाद अभी मैं ब्लॉग एडिट करने बैठ जाऊँगा। तो एंड तो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और मिलते कल नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।